यानी जो ओसामा बिन लादेन के साथ अमेरिका ने किया वैसा ही दाऊद के साथ करना पड़ेगा, यानी कि एक टीम जानी चाहिए जो कि सीधे सीधे जाके उसका टारगेट होना चाहिए एलिमिनेट करने का। किसी सबूत से पाकिस्तान नहीं मानेगा, खुफिया ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता है। सीधी बात में एक्सक्लूसिवली आर के सिंह ने यह बात कही है। प्रधानमंत्री एजेंसियों को टारगेट दे सकते हैं, अटल जी के वक्त दाऊद के खात्मे की योजना थी तो दाऊद को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या यह समझा जाए? मुमकिन है दाऊद को पकड़ना। भारत का दुश्मन नंबर एक बखूबी हमारे कब्जे में आ सकता है। आज अगर दाऊद को पकड़ना संभव दिख रहा है तो उसके लिए मोदी सरकार की नीति को धन्यवाद देना होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के तेज तर्रार दिमाग को सलाम करना। दाऊद को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बदल दीजिए ये फिल्मी डायलॉग, क्योंकि अब डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि मुमकिन है। जी हाँ, पिछले 22 साल से जो चीज मुश्किल और नामुमकिन नजर आ रही थी अब वो मुमकिन दिखने लगी है। मोदी सरकार की कूटनीति और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रंग लाती रणनीति के बाद पहली बार ऐसा नजर आने लगा है कि हिंदुस्तान की पुलिस से भागता फिर रहा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अब जल्द कानून के शिकंजे में आ सकता है। दाऊद ये एक ऐसा मुलजिम है कि जो इंटरनेशनल टेररिस्ट माना जाएगा और इसलिए उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर उसे दबाव डालती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको पाकिस्तान को यहाँ हमारे देश में उसको भेजना होगा और पाकिस्तान पे दबाव डालना यही हमारे लिए कामयाबी होगी। दाऊद को पकड़ने का दावा महज कोरा आशावाद नहीं है बल्कि ये हकीकत बन सकता है। दरअसल सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने जिस रणनीतिक और तेज तर्रार अंदाज में देश के दुश्मन को पकड़ने का जाल बिछाया है उसे अब कामयाबी मिलती दिखने लगी है। दाऊद को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि मुमकिन है और इस मिशन को कामयाब करने का जिम्मा उठाया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक केरल काडर के 1968 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अफसर डोभाल, एनएसए अजीत डोभाल की अगुवाई में चल रहे मिशन दाऊद में जांच एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम की ताजा तस्वीरें सामने लाई और इसके अलावा पाकिस्तान में दाऊद के छिपने के 9 ठिकाने भी ढूंढ निकाले, जिसके बाद अब पाकिस्तान को जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। यही है दाऊद इब्राहिम की ताजा तस्वीर। इस तस्वीर में दाऊद क्लीन शेव नजर आ रहा है, उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं। फोटो से साफ जाहिर है कि उसने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है। दाऊद की ये तस्वीर ये साबित करने के लिए काफी है कि किस तरह जांच एजेंसियां दाऊद के इर्द गिर्द शिकंजा कस चुकी है। तस्वीरों के अलावा पाकिस्तान में दाऊद के 9 ठिकानों का पता चला है। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम का पहला ठिकाना कराची शहर के क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी की दरगाह के पास मोइन पैलेस है। दाऊद का दूसरा ठिकाना कराची में डिफेंस हाउसिंग एरिया के 5वें फेज में 6/A ख्याबान तंजीम है। मुंबई बम धमाकों के गुनहगार का तीसरा ठिकाना इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद मुरी रोड पर भोबान पहाड़ी पर बना ISI का सेफ हाउस है। दाऊद का चौथा ठिकाना है इस्लामाबाद के मारगाला रोड की गली नंबर 22 में मकान नंबर 29। दाऊद का पांचवा ठिकाना है कराची की आमिर खान रोड पर ब्लॉक नंबर 7-8 की CP बाजार सोसाइटी में 17 नंबर मकान। दाऊद का छठा ठिकाना है कराची में DHA एक्सटेंशन के फेज 5 में 30वीं गली। सातवां ठिकाना है कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी साहब की मजार के पास। आठवां ठिकाना है कराची के क्लिफ्टन में तलवार एरिया के परदेसी हाउस 3 के पास मेहरान चौक का 8वां फ्लोर। और नौवां ठिकाना है कराची के नूरियाबाद पहाड़ी इलाके में पैलेशियल बंगलो। दाऊद की ताजा तस्वीर भारत के पास है, उसका पता भारत के पास है, उसकी हर हरकत पर खुफिया एजेंसियों की पैनी निगाह है। पाकिस्तान लाख इनकार कर ले लेकिन अब उसके लिए दाऊद को छुपाना नामुमकिन है। सिर्फ NSA स्तर की बातचीत को तोड़कर पाकिस्तान दाऊद के मसले से भाग नहीं सकता। रीमा पाराशर के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक।